हेलो दोस्तों, मैं हूं रसिक धर्मिया यार। आज मैं आपको ये बताऊंगा कि डुप्लीकेट करेंसी करोड़ों की छापने के बावजूद भी वो इंसान कैसे निर्दोष छूट गया। तो आपको ऐसा लगेगा कि इसको कैसे मालूम। तो जब मैं 18 साल का था तब किसी के बहकावे में आके एक मराठी दोस्त के साथ 302 यानी मर्डर केस में मैं फंस गया था और मुझे सजा लग गई थी और मैं 15.5 साल जेल में रह चुका हूँ। तब मुझे कायदा कानून का कोई नॉलेज नहीं था। उसके बाद तो मैंने बहुत से केस स्टडी किए, CRPC, IPC, जेल मैनुअल सब स्टडी किया है। 4 से 5 हज़ार केस अभी तक का मैंने स्टडी किया है। तो एक आपको बताऊंगा कि आपको ऐसा लगेगा कि 40 करोड़ की नोट छापने के बावजूद भी कैसे इंसान निर्दोष छूट गया। तो उसको मैं अच्छी तरह से जानता हूँ और वो जेल में आया तो मेरी बाजू में सोता था। उसका मैंने चार्जशीट भी पढ़ा, सब पढ़ा, तो मुझे मालूम पड़ा कि वो कैसे छूटा। तो उसने क्या किया कि सबसे पहले बाहर एक सिटी में, मतलब जो यहाँ जो जेल थी हमारी वो सिटी में, एक मकान रेंट पे लिया। वो भी खुद के नाम पे नहीं लिया, एक लड़के के नाम पे लिया। वो लड़के को कुछ पैसे की जरूरत थी, इसने दिया तो लड़के ने रेंट करार करने दिया। और जब रेंट पे लिया उसके अंदर ऑफसेट मशीन पेपर सब वो मकान में मतलब लाया और उसने काम चालू किया और 40 करोड़ की नोट एक साथ में उसने छपाई। उसके बाद क्या किया, वो बहुत शातिर दिमाग का था, उसने क्या किया कि वो जो लड़का था उसके नाम पे सब धंधा किया उसने और वो लड़के को ही मतलब सामने रखा। तो 3 जन को 1,00,000 रुपये की नोट पहले दिया कि भाई वैसे तो उसको कॉन्फिडेंस था कि चल जाएगी, तो आधे पैसे में देता था वो, मतलब 1,00,000 रुपये देता था और 50,000 की ओरिजिनल करेंसी लेता था। वो मतलब 3 लाख दिया, तब तक पुलिस को मतलब किसी ने बात में दे दिया कि यहाँ ऐसा काम होता है, यहाँ करेंसी छापते हैं ऐसा। पुलिस ने रेड किया तो वो परेश भाई, मतलब नाम मैंने बदल दिया है, परेश भाई वहाँ से वॉन्टेड हो गया और जो पकड़ा गया वो लड़का पकड़ा गया। लड़के ने सब कुछ बता दिया कि भाई मेरा कुछ नहीं है, ऐसा ऐसा जो कुछ भी था उसने बता दिया और 3 जन को जो करेंसी दिया था उसका भी नाम बता दिया। तो उसको भी पुलिस ने पकड़ लिया, वो लोग के पास से भी थोड़ी बहुत करेंसी बरामद हुई और इसके पास से ये मशीन सब कुछ बरामद हुआ। तो दो एक मतलब चारों को जेल में डाल दिया। तो 15 दिन बाद ये परेश भाई भी पकड़ा गया, लेकिन जब ये पकड़ा है तब उसकी जेब में या उसके घर से कोई करेंसी नहीं मिली, कोई डुप्लीकेट नोट नहीं मिली। तो जेल में आया उसके बाद उसको तो थोड़ा ऐसा नर्वसनेस हुआ कि इतनी सारी नोट है, मैं नहीं छूटूंगा। तो फिर भी सबको उम्मीद तो रहती है, तो उसने जमानत वकील के जरिए रखी। तो चार्जशीट से पहले जमानत नहीं हुई, 90 दिन के बाद चार्जशीट आई। चार्जशीट आने के बाद उसने मेरे को पेपर दिखाया, मैं चार्जशीट पढ़ा तो इसके खिलाफ कोई सबूत ही नहीं था। भले इसके नाम पे 40 करोड़ की नोट दिखाई थी, करेंसी दिखाई थी, लेकिन इसके खिलाफ कोई ठोस सबूत पुलिस ने रखे नहीं थे क्योंकि उसके पास से कुछ मिला ही नहीं था। तो इसने जमानत रखी, जमानत हो भी गई, जमानत हो गई। उसके बाद केस चला और केस में भी वो निर्दोष छूट गया। तो समझो कि कोर्ट सबूत के तौर पे चलती है, पुलिस स्टेशन में जो कुछ भी चलता है पुलिस स्टेशन में पुलिस को मालूम रहता है, लेकिन कोर्ट सबूत गवाह के आधार पे चलती है। वहाँ आप रोक के बोलो या ठोक बजा के बोलो, वहाँ कुछ चलता नहीं है, वहाँ सिर्फ सबूत चलता है। तो ये इंसान को ये सब पॉलिसी मालूम पड़ गया। तो वो छूटने के बाद भी उसको ऐसा लगे कि मैं तो छूट ही जाऊँगा, मेरा कुछ बिगड़ेगा नहीं। तो उसने फिर से यही काम किया, तो उसने एरिया बदल दिया और वो ऐसा एक लड़का फिर से ढूंढा और यही काम किया। तब उसने इतनी सारी नोट नहीं छापी थी, 50 लाख की करीब नोट छापी थी और उसने ज़्यादा काम कर दिया था, 6-7 जन को उसने पैसे दे दिए थे। तो पुलिस को बात में मिली तो वो लोग पकड़ा गए। वो टाइम पे भी ये वॉन्टेड हो गया, वॉन्टेड तो हो गया, लेकिन पुलिस को ऐसा हुआ कि ये आदमी बार बार ऐसी नोट छापता है और देश के अर्थतंत्र को खराब करता है, इसका कुछ करना पड़ेगा। तो पुलिस ने उसका बंदोबस्त कर लिया था, जब उसको पकड़ लिया उसको जेल में डाल दिया। तो इसको ऐसा कॉन्फिडेंस था कि मैं फिर से छूट जाऊंगा। जमानत रखी चार्जशीट से पहले, तो जमानत रिजेक्ट हो गई। कौन से कारण पे हुई, कि पहले वो ये इंसान पहले भी ऐसा कर चुका है तो वो पॉइंट से उसकी जमानत रिजेक्ट हो गई। लेकिन चार्जशीट आई तो उसको ऐसा मतलब था कि मैं अब छूट जाऊंगा जमानत पे। तो चार्जशीट जब पढ़ी मैंने तो मुझे मालूम पड़ा कि हकीकत में पुलिस ने क्या किया था कि जो पहले उसकी करेंसी जो पकड़ाई थी उसके अंदर से 20,000 उसने साइड में निकाल दिए थे। पुलिस वैसे ऐसा कर नहीं सकती कायदे सर, लेकिन ये मतलब बार बार ऐसा गुनाह करता था तो इसको फिट करने के लिए पुलिस ने ऐसा किया था।
तो 20,000 की नोट उसने रख लिया साइड में और इसके जेब में से मिली ऐसा करके उसने बता दिया चार्जशीट में। तो इसको भी फिट कर दिया पुलिस ने। जब केस चला तो इसको 7 साल की सख्त सजा लगी और दूसरे जो भी थे वो सबको भी 5-5 साल की सजा लगी। तो कहने का तात्पर्य ये है कि बार बार अगर गलत करता है तो आज नहीं तो कल फंस जाएगा। तो ये कैसे छूटा और कैसे उसको सजा लगी दोनों मैं आपको बताया। वैसे तो करेंसी अपने देश में 3 टाइप की चलती है, आपको मालूम नहीं होगा। 3 टाइप की यानी कि देश में 3 टाइप की फेक करेंसी चलती है, लोग बनाते हैं लाते हैं। तो पहले तो ये जेरोक्स टाइप की आती है, वो जो ज्यादा चलती नहीं है लोगों को मालूम पड़ जाता है, तो कोई बंडल के बीच में कोई डाल देता है, ऐसा भी होता है। दूसरी ये जो ऑफसेट अभी मैंने बताया कि ऑफसेट मशीन में छापते हैं, वो थोड़ी ओरिजिनल टाइप की लगती है। और तीसरी जो नोट आती है वो तो एकदम करंसी एकदम ओरिजिनल लगती है, कोई बता नहीं सकता, वो मशीन पे ही बता सकते हैं या फिर एकदम बारीकाई से देखे तो उसको मालूम पड़ता है, बाकी आमतौर पे उसका मालूम नहीं पड़ता। वो करंसी आउट कंट्री से आती है, जो जैसे कि बांग्लादेश पाकिस्तान उधर से आती है, और वो लोग का स्पष्ट इरादा रहता है कि देश का अर्थतंत्र खोखला करने का और पैसा कमाना, दोनों उसका इरादा रहता है। तो उसमें तो मतलब आजीवन की भी सजा देते हैं जजिस अभी यहाँ पे। तो ये करेंसी के बारे में मैंने आपको बताया कैसे छूटता है, कैसे सजा लगती है, वो सब कुछ ये सब जानकारी मैंने आपको दिया। तो मेरी जानकारी कैसी लगी आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए और मेरी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और बहुत सारे ऐसे वीडियो मैं बनाने वाला हूँ, मर्डर है, रेप है, नारकोटिक्स है, चोरी है, लूट है, जितने भी केस है मैं सब पे वीडियो बनाने वाला हूँ कि आरोपी कैसे निर्दोष छूटता है और कैसे उसको सजा लगती है। तो ऐसा कुछ भी है तो मुझे आप बता सकते हैं और मैं आपकी हेल्प कर सकता हूँ, लेकिन प्रोफेशनल जो क्रिमिनल्स रहते हैं उसकी हेल्प मैं नहीं करूँगा। जय हिंद, जय भारत।